तुम्हें एक चूजा बताता हूँ, असील चूजा गाइस, बहुत ही खतरनाक है ये। बिना चल नहीं पा रही गाइस, इसको पता नहीं क्या हो गया। देखो भाई इसको, ओ देखो भाई इसको पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, शायद ये मरने वाली है इसको। यार साइड साइड साइड, नाइस ही कम, ओ नाइस ही, ओ गाइस गाइस देखो कितनी सुंदर हो रखी है यहाँ पे। तो है गाइस वेलकम बैक, होप यू गाइस आर ऑल फाइन। तो गाइस आज का ब्लॉग शूट हो रहा है शाम को, और आप मौसम चेक करो पहले कितनी ज़्यादा हवा है, और देखो यार कितना सुंदर मौसम हो रखा है। और गाइस आज हमारे साथ गाइस मेरा भाई भी आया छोटा, और मेरी बहन भी आई है। तो अभी क्या करना गाइस, तुम्हें मैंने बताया होगा कि कल जिस मुर्गी ने गाइस अंडे निकालने थे ना, उसने गाइस तुम्हें पता होगा कल की वीडियो में तुमने देखा होगी, उसने ना गाइस चूजे ख़त्म मारते, चूजे मार दिए ठीक है। तो उसने रात को क्या किया था, तो रात को गाइस उसने फिर से दो चूज़ों को अंडे तोड़ दिए थे, और चूजे उसके यार मर गए थे। तो मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाया। तो अभी मैंने क्या करना है कि यार देखो यहाँ पे बैठाई थी ना, तो यहाँ से मैंने क्या किया था रात को कि यहाँ से मैंने अंडे उठाए, और गाइस उस वाली मुर्गी वहाँ पे, मुर्गी एक हमारी कुड़क पे बैठी थी, तो मैंने उसके नीचे सारे के सारे अंडे रख दिए। तो अभी क्या करना है, ये वाली मुर्गी होती है ना, ये देखो यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ मैं। तो गाइस जो जहाँ पे मुर्गी है ना ये वाली, तो कुड़क पे गाइस ये वाली बैठी थी, बट ये दूसरी मुर्गी है जो डाकू के साथ थी ना, हमारे डाकू वाला मुर्गा है वो, उसके साथ थी। तो अभी क्या करना है, इन दोनों को मैं खोल देता हूँ, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, बट हम सोचेंगे गाइस इनकी लड़ाई मत हो। तो ये थी गाइस हमारी कुड़क वाली मुर्गी, जिसने इसके नीचे अंडे रखे थे, बट इसने गाइस सारे के सारे चूजे मार दिए, सिर्फ के सिर्फ गाइस चार चूजे बचे हैं, वो भी निकल रहे हैं, थोड़े आधे आधे निकल चुके हैं। तो इसको खोल लेना, इसको खोल जल्दी खोल, तो फिलहाल तो इसको खोल लें। और इसको खोलने के बाद ना हमने पता क्या करना है, अपने मुर्गी है ना ये वाले वाइट वाले मुर्गे, तो ये मुर्गी है ना इनके साथ लगा देनी है। तो हमारे डाकू के साथ एक मुर्गी है अंदर कुड़ के बैठी, वो उसके साथ रहेगी, और जो ये दो मुर्गी है ना, तो गाइस ये ना इनके साथ रहेगी अभी। तो हाँ जो हमारी मुर्गी बीमार हो गई थी ना, ये देखो यहाँ पे देखो जो एक दो तीन है ना, कौन सी मुर्गी थी वो गाइस मेरे ख्याल से एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ इनमें से एक मुर्गी बीमार हो चुकी है, और गाइस एक मुर्गी यहाँ पे पड़ी है देखो। तो गाइस ये वाली मुर्गी हमारी बीमार हो गई है, तो ये कल बीमार हुई थी, तो मैंने क्या करना है, मैंने इसकी ना थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, तो अभी मैं आपको वो वीडियो बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे देखो इस मुर्गी को क्या हो गया है, ये ना चल नहीं पा रही गाइस, इसको पता नहीं क्या हो गया। देखो भाई इसको, ओ देखो भाई इसको पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, शायद ये मरने वाली है इसको। यार अभी तो ठीक थी गाइस, सच में अभी बिल्कुल ठीक थी ये, इसको अभी गाइस कुछ हुआ है, इसको पहले भी कुछ हुआ था, बट अभी ना फिर से हो गया। अरे चलना क्या कर रही है गाइस, ये चल नहीं पा रही, इसकी ना टांगों को कुछ हो गया गाइस, और इसके मुंह में से भी गाइस ब्लड आ रहा है बाहर, पता नहीं क्यों यार। तो जैसे कि तुमने वीडियो को देखा कि यार कैसे इसको हुआ, इसको पता क्या हुआ है, तुमने वीडियो में देखा होगा इसकी ना टांगे नहीं चली, देखो इसकी ना टांगे बिल्कुल नहीं चल रही, तभी मैंने इसको ना इसमें बंद करके रखा हुआ है भाई। गाइस ये तो काटनी पड़ रही है अभी, पता नहीं क्यों यार। गाइस देखो क्या आवाज इसकी, पता इसकी आवाज बाहर निकल रही नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया, और ऊपर देखो गाइस कुड़क पे मुर्गी बैठी है, पर इसके नीचे हमने अंडे नहीं रखे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे गाइस सिर्फ एक ही अंडा है, तो मैं ये निकाल लेता हूँ, और अपने सारे मुर्गियाँ ना जो देसी, तो ये देखो क्या इसके साथ सतानी कर रहा है। तो अभी क्या करना है, इन सबको अंदर करके गाइस चूजों को खोलना है। तो अभी ना मेरा भाई इनको अंदर कर रहा है, जल्दी जल्दी इनको अंदर कर दे। तो इनको अंदर करने के बाद गाइस हम खोलेंगे अपनी मैडम और स्टूडेंट्स को, स्कूल को खोल देंगे। तो उसके बाद गाइस खोलना हमने अपने कलरफुल चिक्स को, मतलब मिनी फौज को। तो मैंने सोचा कि मिनी फौज को भी कलर कर देते हैं, ये इनका कलर अभी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वाइट हो रखा है ना, तो इनको भी हम कलर कर देंगे। तो फिलहाल तो गाइस मेरे भाई ने उनको बंद कर दिया है, तो इनको खोल दे अभी, स्टूडेंट्स और मैडम को खोल दे। तो इनके पास ही रहना ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता ना कि अगर कोई कौवा आ गया तो काम ख़राब हो जाएगा। तो गाइस मौसम भी बहुत अच्छा है, और हमारे गाइस चिक्स सारे बाहर, देखना पूरी 11 है ना ये, एक दो पूरे है ना। तो अभी ये गाइस जहाँ से दाना खाएंगे, मज़े से मस्त तरीके से दाना खाएंगे, तो ये इनकी रखवाली करेगा। तब तक गाइस मैं थोड़ा सा काम करने जा रहा हूँ नीचे, तो काम करके तो फिर मैं आ जाऊँगा छत पे फिर से। तो गाइस अभी मैं छत पे आ चुका हूँ, मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे चेक करते हैं हमारा भाई क्या कर रहा है। तो कोई आया तो नहीं था यहाँ पे, एक कौवा आया था, इसको मारने वाला था, मैं बचा लिया इसको।
चल यार कोई नहीं, शोरा के ले आता ना उसने कोई लेकर ना गया, बस 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 ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि टेंशन की बात ही नहीं है। तभी फिलहाल तो गाइस भयंकर गाइस पानी पी रहे, इतने मस्त तरीके से पानी पी रहे हैं यार, तो मौसम भी बहुत अच्छा रखा था। मैं सोच रहा था कि क्या इनको खोल के ना, तो गाइस हम ना नाइसी को छत पर आएंगे अपने डॉग को, तो उसके साथ गाइस भयंकर मस्ती करेंगे, मस्ती गाइस। जाओ नहीं करना, नहीं कर, रहने दे, नहीं रहने देना उसको, रहने देना, बोला रहने दे उसको। तो फिलहाल गाइस देखो हमारे ना मैडम और सूर्या अंदर जा रहे हैं, सब इनको सबको अंदर कर दे यार, अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया, एक घंटा हो गया इनको ऊपर, तो इनको कर दे अंदर। तो गाइस फाइनली मैंने नाइसी को छत पे ले आया, तो यहाँ पे देखो क्या ही मस्ती चल रही है, इसको वहाँ पे ले जाए, वहाँ पे ले जाए। तो गाइस देखो वो भाग रहा आगे, और गाइस हमारी नाइसी उसके पीछे, नाइसी नाइसी साइड साइड साइड, नाइसी कम, ओ नाइसी, ओ गाइस गाइस देखो कितनी सुंदर हो रखी है यहाँ पे। तो गाइस ये ना बहुत बड़ी हो रखी है, तो इसको ना आज मैं ना आजकल ना मैं खाने में बहुत ही कम देता हूँ, तो भाई नेचो नेचो कम नेसी कम आवे काका नेसी नेसी नेस। तो देखो गाइस कितनी सुंदर, बट इसको मैंने मास्क लगा के रखा है, क्यों, क्योंकि इसको काट ना दे ठीक है, फिर काम खराब हो जाएगा। तो भयंकर गाइस, तो इसको तुम्हें पता है पार्वो वायरस हो गया था, पार्वो वायरस होता है ना यो, उसको हो गया था, तो अभी तो गाइस मस्त खेल रही है, दोनों के साथ मस्त खेल रही है। तो इसको पार्वो वायरस हुआ था, तो क्यों हुआ था, अरे रुक जाओ ना यार मुझे बाहर करने दो, नीचे नहीं करना, नीचे नहीं करना, नीचे मत करना ठीक है। और गाइस मास्क खोलने की कोशिश कर रही है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था इसको पार्वो वायरस हो गया था, तो उसके कारण क्या होता है, इसको खून वाली उल्टियाँ हो गई थी भाई गाइस लग गई, तो इसको खून वाली उल्टियाँ और साथ में इसको खून वाली पोटी लगी थी। तो पार्वो वायरस का यही सीन रहता है कि अगर आप अपने डॉग को पार्वो वायरस हो गया है, तो उसको ना तो कुछ खाने के लिए दो और ना तो कुछ पीने के लिए, अगर आप दोगे खाने के लिए और पीने के लिए कुछ दोगे ना उस वायरस के बीच में, तो गाइस वो उसका सिम्टम होगा ना, फिर से स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे तुम्हें सही से बताता हूँ कि ऐसे समझ लो कि आपको आपके डॉग को पार्वो वायरस हो गया और इसका ट्रीटमेंट होते गाइस दो दिन हो गया, तो अगर आप तीसरे दिन इसको पानी या कुछ खाने के लिए दोगे ना, तो फिर से स्टार्टिंग से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाइस ये सीन रहता है पार्वो वायरस का। अब तो गाइस तुम देख रहे होंगे कितनी मस्त हो रखी है हमारी नाइसी, तो इधर आ जा इधर आ जा, नाइसी कम हियर कम, गुड गर्ल, ओ गुड गर्ल, ओ बागी यार यहाँ पे आ रही थी अभी अभी, नाइसी कम हियर। तो फिलहाल तो गाइस इसको मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, तो अभी ना ये, ओ गाइस इसने मास्क खोल लिया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पंगा हो जाएगा कोई अभी, रुक जा इसका मास्क खोल के, तो इसका सीन करते हैं कुछ, ये काटने ना पड़ जाए, रुक जा रुक जा, तो गाइस तो मैं बता दूं, अगर आपने भी डॉग रखा है ना, तो सेफ्टी सबसे पहले, बाकी काम बाद में, क्योंकि अगर डॉग काट लेगा गाइस तुम्हें पता कितने ज्यादा इंजेक्शन लगते हैं, तो हम वो वाले इंजेक्शन नहीं लगाने चाहते। ओ गाइस ये आ गया, अरे कैमरा मत दिखा देना, तो गाइस यहां पे चेक देखना गाइस, अभी मैं ना उसके पास आ गया, गो दिखा दिखा दे, दिखा गिरा देगा कैमरा, दिखा दे, ओ मैं चप्पल, ये तो मस्त हो रखिया, ओ अलग। तो बहुत हो गया अभी, बहुत हो गया, तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको ना नीचे बांध के आता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो गाइस लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं कल की वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।